सलाम आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। बात करते हैं ताज़ा अपडेट को लेकर कि फ़िलिस्तीन में इस वक्त क्या घट रहा है। फ़िलिस्तीन में आज मरने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 188 पहुंच गई है। आज ही के दिन सबसे ज़्यादा हमले किए हैं इसराइल ने गाज़ा पट्टी पर। तमाम बड़े मुख्यालयों को उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, नेस्ता नाबूद कर दिया है। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बची जहां फिलिस्तीनी जाकर अपनी जान बचा सके, और तो और अगर कहीं जाकर बचा भी रहे थे वो इस जगह को भी ध्वस्त कर रहा था। यानी कि आज टोटल मौत का आंकड़ा 42 के पार गया है। 52 बच्चे, मासूम बच्चे। ये जो तस्वीर आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये जुल्म की कहानी बयां कर रहा है कि ये कफन में बंधी जो लाशें और उनके पीछे जो इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इसराइल के जो इरादे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाईसी ने पूरे दिन मीटिंग ज़रूर की, लेकिन मीटिंग में निंदा के अलावा और सिर्फ ये कहा गया कि मुआवजा दिलाए, इसके अलावा कोई बात नहीं की। साथ ही उनने ये अपील ज़रूर की है जो मुस्लिम देशों ने उसके साथ अभी व्यापार को लेकर समझौता किया था कुछ महीने पहले कि वो उसको तोड़े और इसराइल को अलग थलग करे इस्लामिक मुल्कों से। बिल्कुल जिस तरह से उसने पहले इस्लामिक देशों में घुसने की कोशिश किया कि वो घुस ही चुका है। UAE, सऊदी अरब सब जगह उसके एक तरह से बेस बन चुके हैं। UAE में तो आलम यह है कि दुबई के अंदर उसके बड़े बड़े जो ठग हैं ना, जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफिस खोल लिए हैं दुबई के अंदर। होटलों में लगातार वो लोग पड़े हुए हैं और उसका खामियाजा दुनिया के सामने है। सिर्फ फिलिस्तीनी ही उसका मुकाबला कर रहे हैं, बाकी कहीं से कोई मदद नहीं पहुँच रही है। पाकिस्तान बड़ी ही कड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है कि शब्द ही नहीं बचे मेरे पास, मैं और इससे ज़्यादा क्या निंदा करूँ। ये सारी OIC की मीटिंग में हुई। दूसरी बात यह कि इसराइल ने हमास के जितने भी नेता था सबके घर पे हमला किया। जो एक आध जो कहीं बचा था उसका कर्मचारी वो भी मर चुका है। वेस्ट बैंक का बुरा हाल है। वैसे वेस्ट बैंक के सबसे ज़्यादा जो परेशान है इसराइल, वो वेस्ट बैंक से परेशान है कि वेस्ट बैंक में हिंसा कैसे रुके। दूसरी तरफ जर्मनी में कम से कम 53 लोगों को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी वजह से वहाँ गिरफ्तार किया गया। और दूसरी गिरफ्तारी भारत में हुई है, कश्मीर में, जहां पर तकरीबन 32 लोगों को गिरफ्तार किया फिलिस्तीन के समर्थन में कश्मीर के अंदर। तो दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी फिलिस्तीन के समर्थन में गिरफ्तारी की है कि जो लोग उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, एकजुटता की बात कर रहे थे। इसके बाद नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई है इमरजेंसी, वीडियो आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। इसमें नेतन्याहू ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि वो दुनिया के किसी भी देश का दबाव नहीं मानेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक तरह से लात मार दी, ठोकर मार दी सारी अपीलों को जो लोग अपील कर रहे थे उससे। राष्ट्रीय मानव अधिकार हो या फिर कोई और भी देश हो, वो किसी की इस वक्त सुनने के मूड में नहीं है। उसने साफ कहा कि इसराइल जब तक नहीं रुकेगा जब तक ये हिंसा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। हिंसा तो इसराइल ही कर रहा है वैसे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मासूमों की जान इसराइल के फाइटर जेट ले रहे हैं, उसकी सेना ले रही है, उसके लोग मर रहे हैं। हमास को ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ वो हमास है, लेकिन हमास भी रुक नहीं रहा। उसके 3000 से ज़्यादा रॉकेट अब तक दाग चुका है इसराइल की तरफ, जिसमें उसके शहरों को बड़ा नुकसान है, तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन, ये सब को नुकसान है। तो नेतन्याहू की इस मीटिंग से एक बात क्लियर हो जाती है कि वो अभी उसके इरादे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2-4 दिन और लगेंगे और ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी और अभी मासूमों की जान जाएंगी। कब तक जाएंगी इस बात में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हालत बड़े ख़राब है। सिर्फ निंदा पे निंदा लोग कर रहे हैं। जो कभी कहते थे ना कि कुछ भी हो जाए हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनका हाल आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल का ये करंट अपडेट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद हम कल बात करेंगे कि और दुनिया भर में इसको लेकर कितनी निंदा होती है, कितने प्रदर्शन होते हैं, यही कर सकते हैं और आप सब लोग दुआ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट था। मैं आज दिन भर सिवाय दो और खबरों के आपके सामने ज़्यादा खबर नहीं पेश कर सका हूँ अपने देश की, लेकिन हम कल फिर से अपने उसी पैटर्न पर चलेंगे और इसराइल के साथ साथ जो वहाँ पर घट रहा है फिलिस्तीन और इसराइल में, उसके साथ साथ यहाँ के भी खबरें देंगे क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ घट रहा है। कोरोना की बात आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन कोरोना ने तांडव पूरा मचा रखा है। आज भी बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली और UP में फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है, कई और प्रदेश में लॉकडाउन की सख्ती की जा चुकी है। और जैसा कि मीडिया सूत्रों से या लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा महीना लॉकडाउन में जाने वाला है। ऐसे में सरकार ने वो चीज़ नहीं की जो पिछले साल की थी देशवासियों के लिए कि भाई रेंट माफ़ हो सकता है, EMI माफ़ हो सकती है। इस बार लोग बेचारे जैसे तैसे आत्मनिर्भर हैं, इस बार तो खुद बीमारी से भी लड़ रहे हैं और गरीबी से भी लड़ रहे हैं, भुखमरी से भी लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक तरफ इसराइल जो है सिर्फ और सिर्फ जान लेने का काम कर रहे हैं, एक तरफ लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनकी जान ले रहा है। आप लोग क्या कहना नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।